अब देखिए कथा की विशेषता, कोई तर्क करे आपसे कि आप कथा सुनते हैं चार चार घंटे नित्य प्रति, पूरा जीवन कथा सुनते हो गया, इस कथा से आपको क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? जानते हैं कथा का चमत्कार, ये कथा सुनने वाले को, श्रोता को भगवान का दान कर देती है। कथा ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, कागज के पन्नों में अंकित ये काले काले अक्षर कोई जड़ नहीं है। भगवान की कथा परम चैतन्य होती है। जो कथा का आश्रय लेते हैं उन श्रोताओं को ये कथा भगवान का दान करती है। प्रमाण देखिए आप यहीं पर, अगस्त मुनि के आश्रम में भगवान शंकर राम कथा सुन करके जा रहे हैं और आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण के उनको दर्शन हो रहे हैं। बात ये थी, उसी समय महाराज दशरथ के आदेश को मान करके, पिता के आदेश को मान करके भगवान का वनगमन हुआ था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम निवास कर रहे थे। रावण ने सीता जी का अपहरण किया और भगवान श्री राम सीता जी की खोज कर रहे हैं। दंडकारण्य की उस भूमि में सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं। पशु पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से, नदियों से, सरोवरों से, सबसे सीता जी का पता पूछ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयन। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नयन। खंजन शोक कपोत मृग मीना, जन सुख कपोल मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे खग मृग हे पक्षियों से, वृक्षों से, लताओं से, नदियों से, सरोवरों से भगवान श्री राम सीता जी का पता पूछ रहे हैं। पूछते पूछते भगवान शंकर और सती जी के सामने आ गए। ओ भगवान शंकर ने जिस समय देखा वो तो भाव विभोर हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक पड़े भगवान का दर्शन करके। देखिए कथा सुन करके आ रहे हैं तो कथा महारानी ने साक्षात भगवान को शंकर जी के सामने उपस्थित कर दिया। हम केवल भगवान की कथा का आश्रय लें, ये कथा का की जिम्मेदारी होगी तो हमारे सामने भगवान को उपस्थित कर देती। शंकर जी ने भगवान को प्रणाम किया। सती जी सोचने लगी शंकर जी की बुद्धि को न जाने क्या हो गया, इस राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं जो पत्नी के लिए इतना पागल, पशु पक्षियों से पत्नी का पता पूछ रहा है, नदियों से, सरोवरों से, वृक्षों से, लताओं से, पर्वतों से पत्नी का पता पूछ रहा है, इतना पागल। और सती जी का ये संशय बस बढ़ता ही जा रहा है। अगर राम कथा सुनी होती तो संशय नहीं होता, लेकिन राम कथा नहीं सुनी इसलिए संशय के गर्त में डूब रही है।